हाय गाइस, तो सुरभि राठौर ने जो है इतनी बड़ी बात सबके साथ शेयर की है कि उनका जो है मेहंदी फंक्शन का वीडियो आ चुका है और गाइस आगे जो है स्पेशल डे के बारे में भी एक न्यू व्लॉग आने वाला है। तो चलिए गाइस, मैं आपको बता देती हूँ कि सुरभि राठौर ने जो है अपने नेक्स्ट व्लॉग के आने वाले व्लॉग के बारे में क्या कहा है। तो गाइस, सुरभि राठौर ने कहा है कि आने वाला व्लॉग जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। उन्होंने छोटी सी एक पिक्चर शेयर की है अपने हैंड्स की। तो गाइस, वो व्लॉग जो है आज ही आने वाला था, लेकिन गाइस किसी टेक्निकल इशू की वजह से जो है वो आज नहीं आ पाया। तो गाइस, हो सकता है वो व्लॉग जो है कल आने वाला है। तो गाइस, उस व्लॉग को देखने के लिए आप कितनी ज़्यादा एक्साइटेड हो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि गाइस वो व्लॉग जो है उसमें आपको पता चलने वाला है कि स्पेशल डेज क्या था। और गाइस, इसके अलावा जो है मैं आपको एक वीडियो दिखाने वाली हूँ कि सुरभि राठौर बहुत ज़्यादा क्यों डर गई थी। तो चलिए गाइस, मैं आपको वो वीडियो दिखाती हूँ। कल रात को जब मैं सो रही थी तो ये मुझे छोड़ के भाग गया था और मैं डर गई थी। इसका ऐसा क्यों करता है? दादी और मैं भी सेम थी। इरिटेट मत कर। क्यों करता है इसका ऐसा? तूने डराया था ना कल दीदी को, है ना? ऐसे दीदियों को डराता है बच्चा। और गाइस, इसके अलावा जो है मोहक नारंग का अभी तक कोई भी रिएक्शन नहीं आया है, क्योंकि गाइस मोहक नारंग जो है बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है। और गाइस, उनका कोई भी न्यू वीडियो जो है मोहक नारंग का अभी तक एक भी नहीं आया है। तो गाइस, ऐसा लगता है कि सुरभि राठौर का व्लॉग जो है मे भी हो सकता है कि मोहक नारंग ने भी देखा हो। और गाइस, मोहक नारंग काफ़ी ज़्यादा सेड होने की वजह से जो है एक्टिव नहीं है और उनके कोई भी वीडियो नहीं आ रहे हैं। और गाइस, इसके अलावा जो है बहुत सारे लोग ये भी कमेंट्स कर रहे हैं राठौर के आने वाले व्लॉग में हो सकता है कि मोहक नारंग भी आपको देखने को मिले उस व्लॉग में। तो गाइस, क्या लगता है नीचे आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि गाइस बहुत सारे लोग ये मान रहे हैं कि ये जो है अभी तक प्रैंक चल रहा है। तो गाइस, ये जो है क्या प्रैंक होने वाला है वो तो हमें कल व्लॉग में ही पता चलेगा। और गाइस, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।